हेलो फ्रेंड्स, आई एम सबे सर फ्रॉम पिरामिड क्लासेस। मु तमनो पई जो सीरीज आमे जो करूचे 300 मैथ एमसीक्यू रो कोतर हमर जो बीईडी और सीटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन माने करूचे से सीरीज रो आज होची डे 5। आ आज भी आमे 10 ओटी क्वेश्चन करिवा। आमे प्रति संडे वेडनेसडे आउ फ्राइडे रे करूचे। आमे मॉर्निंग केतरा बेले 7टा बेले यार सीरीज करूचे। तो तमने 7टा बेले आसी कि सब दिन मंडे वेडनेसडे सॉरी संडे वेडनेसडे और फ्राइडे रे देखिपारिब तुम मैंने सीरीज टी। तेज जो मैंने बीईडी आउ सीटी प्रिपेरेसन कराया चाहो 2021 एंट्रेंस से 25 अप्रैल गोटे बैच पिरामिड क्लासेस स्टार्ट हो जाऊँगी। तुम मैंने चाहिए से बैच जॉइन कर पार। तो तले दिखाई पिरामिड क्लासेस आप लिंक दिया तले से तुम पिरामिड क्लासेस आपको डाउनलोड कर नचे तुम मैंने तले दिखाई फोन नंबर में कंटाक्ट कर पार। बट तुम मैंने जी रेगुलरली पढ़ाक चाहो गोटे पूरा शेड्यूल बनई तुमने बैच जॉइन कर पार ना। आम जो क्वेश्चन करते सीरीज आज आम फास्ट क्वेश्चन कराया देखिए आम फास्ट क्वेश्चन कौन तुम अच्छी देख। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम यहाँ गोटे मेन्सुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आम गोटे मेन्सुरेशन बेस्ड पैरेललोग्राम बेस्ड गोटे क्वेश्चन कौन देखिए रूट बेस इज 45। अच्छा गोटे पैरेललोग्राम केमती आकार देखापी ए भाई आकार देखापी जार ए दुटा बाहू सेम थाए आ ए दुटा बाहू सेम था। तो से कौन तार बेस दे 45 आउ तर हाइट दे हाइट के 250। तो जान था डायरेक्ट आर एरिया फॉर्मूला हो बेस इनटू हाइट तले 45 इनटू 250। देखो तुम मैंने आपको चाहिए मल्टीप्लाई कर पार शून्य 25 पंच 125 5 ना हो 12 25 जो 100 112 तो तुम लगे दे पार 11,250। नल कमी कर डायरेक्ट आडिशन करदेव ये गोटे बहुत भल ट्रिक तुमको दौर नल से बुझे चेस्ट कर। 5 2 के 7 5 4 के 9 9 मानने जो जीरो सम अफ डिजिट फर्मुला सम अफ डिजिट आम कौन थे अप्लाई करा 9 मानने जीरो जीरो को जहाँ सहित गुणी मोर जीरो हम तुम देख प्रथम 5 1 6 1 7 आडिशन तो ये तो जीरो नुह 5 2 7 1 8 1 9 तेणु यहाँ जीरो 5 2 7 2 9 1 10 10 मान के 1 तेमती 5 5 10 1 11 12 12 मान के 3 तेल आप किए जीरो देला केवल सेकेंड अप्सन टाइम आंसर हो सेकेंड अप्सन बिना मल्टीप्लिकेसन भी तुम चाहिए क्वेश्चन टू करता एमती सम अफ डिजिट अप्लाई कर तुम मन को जो सुविधा लगुच तुम सेमती कर चेस्ट कर। तेज जो मन को आसने तुम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करा चेस्ट कर आ जो मन को आसूनी से देख भल से शिखे चेस्ट कर जमीक तुम मैंने आगे ये क्वेश्चन टा कर। देखो कौन देखिए इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई एट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर आसी सारा बीएड परीक्षा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इनस्टेड ऑफ 5/3 माने ताको गोटे संख्या रे 3/5 गुणीबार थिला किंतु से भूल ले गुणी देछि केते 5/3 हला। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ द क्वेश्चन तो तमे कोन करबे जे तो एबड़िया क्वेश्चन देखिबो तळ दिटा रो एलसीएम नै जइबो तले केते हो संख्याटा मन करथिला 15 15 ता गुणीबार थिला केते 3/5 ताको गुणीबार थिले एक्चुअली 5/3 तुम से गुणी देछि केते 3/5 तले 15 3/5 गुणी देछि जहा द्वारा कोन तार आंसर आसी 9 किंतु तुमको 15 रे एक्चुअली केते गुणीबार थिला 5/3 गुणीबार थिला तमन ता ओरिजिनली आंसर केते आसीबार थिला 25 किंतु बे आंसर केते आसी 9 तमन एरर हेछि केते पैसा रो बा केते परसेंटेज रो एरर हेछि 25 रु 9 गले केते रहबो 25 रु 9 गले केते रहबो 15 15 9 5 24 16 तले 25 न गले 16 रहबो तले 16 एरर हेछि केते ऊपर 25 हबार दिला हे हेछि न तने 25 एक्चुअली ओरिजिनल इनटू 100 तले टोटल एरर परसेंटेज केते हेछि 64% रो हमर कोन हेछि एरर हेछि तले आंसर कोटा हो ऑप्शन डी इज द आंसर। बाबू जी समस्त बुझी पाथलो आपर क्वेश्चन के देखा आनन करियो जीवा। सो जहार डाउट होछि तुम वीडियो रो पछु जाय कि तुम क्वेश्चन को पुनर्बार देखि करि परिबो। देखो ए देछि गोटे सेट आ बी देछि गोटे सेट ए यूनियन बी पछि ए यूनियन बी माने होछि जो जो वैल्यू सबु तक वैल्यू को ना ए आउ बी रो किंतु रिपीट करबा सबु तक वैल्यू को ना बट रिपीट करबा ए के दि जण को देहर छ थरे ए के जीव सबु तरह त एक अछि दुई एथरे भी अछि दुई एथरे भी अछि तन दुई सबु तरह अछि एथरे देख 3 अछि बट एथरे 3 नै बट 3 को हम कैलकुलेट को नका त ए ऑप्शन रे 3 अछि आ ए ऑप्शन रे वर्तमान हमर 3 अछि। तापर देखिबा 6 6 ए दिटा ऑप्शन अछि कि 6 ऑप्शन रे भी अछि। तापर देखियो 8 8 भी दिटा ऑप्शन अछि। तापर देखियो 10 ए दिटा ऑप्शन अछि। एबे एठी देखिबा
ଦୁଇଟା ଅପସନ ଅଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିକ ଅପସନ ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ ମୋର ସବୁତକ ଭାଲ୍ୟୁ ତକ ଅଛି ସେଇଟା ହବ ଏଇ ୟୁନିଟ ବି ର ଭାଲ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମେମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଛକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ତୁମର ଡାଉଟ ରହିଲା ବା କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଯିବ, ପଛକୁ ଯାଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖିବ ସେ ଯେତିକ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମର ସେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି। ପଚାରିଛି ଏ ବି ସି ତିନିଟା ସେଟ୍, ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିଅନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସ ଅଛି, ଆର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଏ ୟୁନିଅନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ୟୁନିଅନ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଆନ୍ସର ହବ ଏ ଫର୍ମୁଲାର ଆଭେଲେବୁଲ। ତାହେଲେ ଏ ୟୁନିଅନ ବି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ ଏ ୟୁନିଅନ ସି, ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଦେଖିବା ଆପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଦିଜ୍ ଟୁ ଭର୍ଟିକାଲ ପୋଲ୍ସ ଆର 400 ମିଟର ଆପାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ହେଲା, ଦ ହାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡବଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର, ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ୍, ଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲ୍, ସେ ଦୁଇଟା ପୋଲ୍ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି? 400 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। କେତେ ମିଟର ଦୂରରେ? 400 ମିଟର। 400 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ୟାର ହାଇଟ୍ ଲେଟ୍ 2x, ଆର ହାଇଟ୍ x, କାରଣ ଗୋଟେ ପୋଲର ଡବଲ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲ ସେ କହିଛି। ସେ କହୁଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମିଡିଲ ଅଫ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଡିଲ ଅଫ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ତାମାନେ ୟାଡ଼କୁ 200 ରହିଲା, ୟାଡ଼କୁ ବି କେତେ ରହିଲା? 200, କାରଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ନା। ତ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇପଟକୁ ଦୁଇଟା ଟପ୍କୁ ଅନେଇବା। ସୋ ଅନେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଙ୍ଗୁଲାର ଅବଜର୍ଭ ଏଲିଭେସନ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟପ୍ସ ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର କେତେ ହଉଥିବ କହିଲ? 90 ହଉଥିବ, ମାନେ 60+30 ବି ଲେଖିପାରିବା, 45+45 ବି ଲେଖିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଲେଟ୍ ମୁଁ ଏଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ମୋର 90-θିଟା, ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? ଥିଟା। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶେଇଦେଲେ ମୋର 90 ହବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏପଟରେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟ୍ୟାନ୍ 90-θିଟା, ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ଟ୍ୟାନ୍ 90-ଥିଟା ମାନେ ଟ୍ୟାନ୍ ସାମ୍ନାରେ ପି ଥାଏ ଆଉ ତଳେ ବେସ୍ ଥାଏ, ତମେ ଏଟା କେତେ ହବ? 2x/200। ସେମିତି ମୁଁ ଏପଟରେ ଲେଖିବି କଟ୍, କେବଳ କଟ୍ ଥିଟା, କଟ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ? ମୋର କଟ୍ ଥିଟା ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ କ'ଣ ତମର ନା, କଟ୍ ଥିଟା ହଉଛି ବି ବାଇ ବି, ତାହେଲେ ଉପରେ ତଳେ କେତେ ଅଛି? 200, ଆଉ ଉପରେ କେତେ ଅଛି? ମୋର ପି ରେ ଏକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଟ୍ୟାନ୍ 90-ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ରୁଲ୍, ଟ୍ୟାନ୍ 90-ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କଟ୍ ଥିଟା, ତାହେଲେ କଟ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 2x/200, ଆଉ ଏଠି କଟ୍ ଥିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 200/x। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଆନ୍ସର ହବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ସଲ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2x/200 = 200/x ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ? 2x/200 = କେତେ ଅଛି ଆମର ନା, ତମମାନଙ୍କର ଅଛି କେତେ ନା, ହଉଛି x/200/x, ଏତିକି ଆମର ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହେଇଯିବ, କେତେ ହବ? 2x² = କେତେ ଆସିଗଲା ଆମର, ତାହେଲେ 2 ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେଲେ କେତେ ଆସିବ? 2 × 1 = 2, 3 × 4 = x². ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କେତେ ଆସିବ? ଯେହେତୁ 4 ଶୂନ ଅଛି, 2 0 ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ √2 ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, √2 ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ? 1.41। ତାହେଲେ 100 × 1.41 ବୋଲେ 141 ମିଟର, ତାମାନେ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି 141, ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ ଥିଲା 2x, ତାମାନେ 2x ମାନେ 200 ଆସି, ତାମାନେ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ନମ୍ବର 5 ହବ ଆମର ଆନ୍ସର। ଦୁଇଟା ପୋଲ ର ହାଇଟ୍ ପଚାରିଛି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ହବ? ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ହବ? 141, ଆଉ ତମର କେତେ ହବ? ଆଉ 200। ଭାବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯଦି କିଏ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲା, ଦେଖ ଲଗ ଲଗ୍ କେତେ ଦେଇଛି? ଲଗ୍ 1/3 9√3। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଲଗ୍ a^n, ଆଉ ଗୋଟେ a^n ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ m/n ଲଗ୍ a। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେମିତିଆ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲଗ୍ 3⁻¹ ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ 1/3, ଆଉ 9√3 କୁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ନା, ଦେଖ 9√3 କୁ ଲେଖିପାରିବି 3² × 3^2, ଯୋଉଟା କେତେ ହବ? 3^5/2। ତାହେଲେ ଲଗ୍ 3⁻¹ ତଳେ ବେସ୍ ଅଛି, ଉପରେ କେତେ ଅଛି? 3⁻¹, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସହଗ ଥାଏ ତୁମର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ? ତମର ଯଦି ଏକା ଥିବ ସହଗ ତାହେଲେ ଘାତ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ? 8 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 2 × 1/2 ମିଶେଇଦେଲେ 5/2 ହବ, 2 + 1/2 ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଯଦି ନବ 2 × 4 + 1 = 5/2, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଛି 5/2। ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଲଗ୍ a^m ମାନେ f log a, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ 5/2 ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଲେଖିବି କେତେ? 5/2 ଲଗ୍, ଯୋଉଟା କି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି। 5/2 ଲଗ୍, କାରଣ 3⁻¹ ଅଛି, 3⁻⁶ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଛି, a^n ଅଛି, a^m ଅଛି, ତାହେଲେ m/n ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବି। m ହେଲା କେତେ? ଏତିକି, n ହେଉଛି କେତେ? -1। ଏନ୍ ହେଉଛି କେତେ? -1। ଦେଖ a^n, a^n, ଏନ୍ ହେଉଛି କେତେ? -1। ତାହେଲେ 5/2 / -1 ଲଗ୍ a ଜାଗାରେ ରହିବ a, ଆଉ ଏଠି ରହିବ।
log 3 3 बा log a a आर वैल्यू केते जानछ समस्त 1 त log a a रो वैल्यू 1 त ए पार्ट टा मोर हेला 1 तले 5 बाय 2 बाय माइनस 1 इनटू 1 त आंसर केते आछ माइनस 5 बाय 2 त आंसर कोटा हमर ऑप्शन सी हमर आंसर हो नोबो समस्त बोल से बुझी करथिबो देखियो आपर क्वेश्चन टी कोन छ हम मनगर सात नंबर क्वेश्चन भी गोटे अच्छे तुम सही हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड कारण तुम समस्त जान बीड रे तीन टू चार क्वेश्चन पढ़ु तुम हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड टॉपिक तो यहाँ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक मुझे सब वैरायटी क्वेश्चन तुम करुँच सो दैट तुम भरोसे देख बुझे चेस्टा कर निश्चित रूप तुम परीक्षा कर पार ए बेलून लिव्स द अर्थ एट ए पॉइंट ए देख कौन क्वेश्चन देखिए गोटे बेलून गोटे पॉइंट ए अर्थ छाड़ा आकाश आकाश उड़ी गला राइजेस वर्टिकली यूनिफॉर्म स्पीड रे ऊपर गला माने गोटे कांस्टेंट स्पीड रे जाई छी 2 मिनिट पई जाई छी ऊपर हला सो सापरी बोली गोटे पिला जे के कोन कला ना ताकु देखा गला बेलून टा जो जगह रे अछि केते डिग्री एंगल रे अछि ता पई से बेलून टा केते डिग्री एंगल रे अछि सापरी एट छिड़ा है छी सापरी गोटे 45 डिग्री एंगल रे एट बेलून टा उड़ छी ताकु देखा अछि ता बेलून टा के उड़ छी ने केते डिग्री एंगल रे ता अछि 45 डिग्री एंगल ता देखा अछि सो इफ द पॉइंट ऑफ व्हिच द सापरी इज स्टैंडिंग इज 150 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ए साबरी जोड़ी छिड़ा है जो छिड़ा है चला जोड़ साबर छिड़ा है ता टू पॉइंट एट वाला इफ द पॉइंट ऑफ व्हिच साबरी इज स्टैंडिंग इज 150 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ए मन कर एट एट बिलिंग द अप्रूव जाय एटू केते दूर रे अछि साबरी 150 मीटर दूर रे अछि अच्छा तुम समझ जान छ 45 डिग्री सामने रे 1 रहे मैं प्रीवियस क्लास रे कहिथिले आ एठी रहे रूट टू त यदि एठी एक रे वैल्यू 150 त माने हाइट भी केते दे छ मते 150 मीटर दे छ एटिंग 150 मैंने एटिंग 150 अच्छा यदि यही पार्टा मोर 150 मीटर हो गला तुम मानकर ये पार्टा कैसे 150 मीटर तुम जान तुम डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम बोली समझते जान तेल मत पचारे स्पीड वैल्यूम टाइम उपरू जाए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम 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 तले भरा है डिस्टेंस के 150 मीटर अच्छा मीटर बाय सेकेंड तुम सब ऑप्शन अच्छे टाइम टाइम मिनिटी अच्छे 2 मिनिट के सेकेंड हम 120 सेकेंड हम तर शून शून काटिद तीन पंचा पंद्रह तीन चो बार तो आंसर कितने बार ला 5/4 सेकेंड तो ये डाउट थी डिवाइड करता चार के चार पांच चार के लिए रहेला एक एक और सुनो दस चार बिल आठ दूरी सुनो पड़ी है चार पंचा पड़ी 1.25 मीटर पर सेकेंड तो हमारा आंसर कोटा 1.25 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर मु भाव जी तुम समस्त कर परबो क्वेश्चन था किछि नहीं बहुत इजी क्वेश्चन थेला आराम से कर परबो जदी का डाउट रहला वीडियो पछु जाके पुनः कर प्ले करी देख परबो क्वेश्चन आराम से कर परबो आ जो मन को आसुची मनर बहुत बहुत भलो कथा से माने नेक्स्ट क्वेश्चन करे चेष्टा करो केते स्कोर कलो टोटली कम मन चेष्टा करो ताकू कोथे ये हमरो जो कमेंट बॉक्स पर दबते तबे जदी क्वेश्चन भलो लागो जी त माने लाइक शेयर कमेंट करो सो को जो क्वेश्चन तुम मन को भलो लागो से क्वेश्चन को लाइक करो और अन्य अन्य जगह रे कम माने शेयर कर परिवो तो शेयर करया को चेष्टा करो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 गोटे इक्वेशन में देछि अल्फा बीटा तुम तो मन सिखि दिली 18x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन हेबो माइनस 18x स्क्वायर आ मिश्रण हेबो 3 माइनस 3 तुम आरो दुटा रूट साक्षात बाहर कर दे करबी केता हेबो देखो माइनस 18x स्क्वायर तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 जदि मु ए आकार भांगुछ तुमरे क्वेश्चन टा उता तुम मन पसंद देखो ए क्वेश्चन टा केते हेबो तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 बर्तमान एति केरा वैल्यू हेला ना तले बर्तमान पे देखियो हम त कोन करि परबा बर्तमान पे x रो वैल्यू तुमनो डायरेक्ट सिखि दिली प्लस 6 हेबो नले माइनस 3 हेबो तमन मु डायरेक्ट सिखि दे छी x रो वैल्यू दिटा हेबो तले बर्तमान मते पचाछि अल्फा रो स्क्वायर बीटा अच्छा ए जो x जो डाटा दिटा रूट गोटा अल्फा आ गोटा बीटा तले अल्फा रो स्क्वायर केते हेबो 6 रो स्क्वायर 36 प्लस बीटा स्क्वायर केते हेबो माइनस 3 रो स्क्वायर 9 तले टोटल आंसर केते आछो 45 तले क्वेश्चन आंसर केते हेबो 45 अल्फा बीटा रूट देखला अल्फा बीटा रूट केते बाला 6 माइनस 3 तले आंसर स्क्वायर टा केते होइबो 35 भाबो आंसर भाबो छी समस्त बोलसे बुझी पाथियो नेक्स्ट क्वेश्चन रे हम करबा देखिबा कोन आछी लॉग लॉग बेस्ट क्वेश्चन आउट अछि लॉग 10 बेस्ट 2 इज इक्वल टू एती रहै छी तो लॉग 10 16 केते पचा त मु लिखि परिबि लॉग 10 16 को मु लिखि परिबि 2 रो टू द पावर 4 इनटू 10 रो स्क्वायर अच्छा तो मन गेमिता बहुत क्वेश्चन करै सलेनी लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी बोली त मन बहुत क्वेश्चन त कर सलेन त लाकु लिखि परिबि लॉग 10 2 टू द पावर 4 प्लस लॉग 10 10 रो स्क्वायर त केते आसीबो त 2 टू द पावर 4 माने कोन 4 लॉग 10 2 प्लस काहे कि ना लॉग ए लॉग तमरा जनता लॉग एटे ए थाउ x टू द पावर यदि n अछि त हम त लिख परबे n लॉग x एंटर लिख परबे त सेम फार्मूला में आपको देख लिख देले चार टाइप को कैरी करी पड़े आसीबो लॉग 10 2 रहबो सेम जे 2 कैरी करी पड़े आसीबो लॉग 10 10 रहबो
तो जानिच चार इंटू लग टेन टू वैल्यू के 0.3010 आज 2 इनटू लॉग ए ए रो वैल्यू सब बड़े 1 तनो लॉग ए ए तनो वैल्यू 1 तो लेट अस यू कहते 4 3 12 1.2040 प्लस 2 तले मिसे द टोटल अस 2.2040 तले आंसर हमर कहते 2.2040 तमन ऑप्शन ए रो 2.204 तले इन हमर आंसर हो बाबू समस्त कर परिबो किछ बड़ कथा न पिला क्वेश्चन ने एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करबा तमन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जोटा हमर आज शेष क्वेश्चन तो एटा भी गोटे हाई टाइम डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन चेष्टा करबा हमें क्वेश्चन टा करबा पई मु बहुत गुडा क्वेश्चन तम मानकर पाखा पेकी 40 टा क्वेश्चन भीतर सॉल्व कर सली हाई टाइम डिस्टेंस रिलेटेड आशा करछि जे तम मानकर ए चैप्टर पूरा भलो से क्लियर हो सारी होन तथापि यदि डाउट रहउछि तम माने कमेंट बॉक्स रे लिख परियो सो दैट मु आहुरी अधिक तम मान हाई टाइम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन आन देबी बिकॉज़ बीड पिला मानकर पाखा पेकी 4 टी क्वेश्चन जतु बचाउछि सब परीक्षा रे सब सेट रे तो तम माने एको भलो से प्रिपेयर कर ए चैप्टर टी को तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इज 30 डिग्री गोटे टॉप ऑफ द टावर रो उठने देखु छी 30 डिग्री रे कि द ऑब्जर्वर मूव्स 40 मीटर टुवर्ड्स द टावर से देखो नने लोक एटा टावर अछि दूर रु से टावर टा से देखु छी केते डिग्री रे 30 डिग्री जदी सीए कोन कला ना मूव करि आसला केते मीटर टावर आड़ टावर टावर टाइट तो टावर आड़ को जदी से मूव करि आसला केते मीटर मूव करि आसला 40 मीटर वर्तमान से 40 मीटर टावर आड़ को आस वर्तमान ए पॉइंट रे अछि तो ए पॉइंट रे तार केतने हेगला एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बढ़ी गला टॉप ऑफ द टावर इंक्रीजेस 15 डिग्री तान 30 थिला एबे तार एंगल ऑफ एलिवेशन 15 काहे कि ना तमे जेतो बेले ओके बिल्डिंग पाखु को आछो तमे बेक कर तमे भाबो सिंपली तमे बेक हो तमे अधिक भांगिबो जेते पाखु को आछो सेते अधिक बेक भांगिबो तो से हेला वर्तमान रे से पचार व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर मु बारंबार ए क्वेश्चन ने फार्मूला केते तर पैसा रेनी cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 ताले वर्तमान एकदम पके क्वेश्चन सॉल्व करया डी डी रो वैल्यू कितना हो ताले डी होची डिस्टेंस डिस्टेंस जगहटा एटा एटा ऑलरेडी केता देसी 40 एच इनटू cot थीटा 1 होची 30 डिग्री cot 30 डिग्री रो वैल्यू √3 आ cot थीटा 2 रो वैल्यू होची 1/√3 ताले वर्तमान पे केते आसी हमरो 40 इनटू एटी केता आसी लॉस आ गेले 3 गुले √6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 ताले हमर केते आसी √6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 अच्छा स्पॉट पॉइंटर से वैल्यू सॉरी 1 स्पॉट पॉइंटर से वैल्यू कितने तो मान कर 1 हैला स्पॉट पॉइंटर से वैल्यू कितने 1 तो मान कर हैला सो स्पॉट पॉइंटर से वैल्यू हो छी 1 तो स्पॉट पॉइंटर से वैल्यू यदि 1 तो √3 माइनस 1 आइथ छ तो एच रो वैल्यू कितने आसीबो 40 बाय √3 माइनस 1 तो 40 बाय √3 माइनस 1 माने कितने होबो एटा तमन देखो अच्छा √3 हो छी 1.732 तो जे तो 1 जीवो तो मन कितने रहबो केवल 0.732 एखी लेबो त माने हाइट केते हो 40 बाय 0.732 त माने केते लेखि हाइट को 40 बाय 0.732 आ माने केते आसी हो पाखा बेकि मोर जदि म क्वेश्चन करिवे पाखा पे तुम आसी हो केते 40 रे जदि मु लेखु छी सिंपल कर दउ छी ताले केते आसी मोर गोटे गोटे ए दुटा डिजिट को हटाई दउ छी खाली गोटे कर छी 40 रे गोटे 10 आसी हो तळे बाय 7 त 400 बाय 7 एको जदि मोर देबी पाखा पे केते आसी हो 7535 आउ रहला केतु मोर 550 749 पाखा पाखी नियर अबाउट मोर आसी जाउ छी थिरे वैल्यू 57 प्लस आसी जाउ छी वैल्यू मोर तो जदि मु लेखु छी कोन खाली सा किंतु एतो 732 जदि लेखि तांदे ताले आउ थो बडो वैल्यू थांता बडो वैल्यू तले आउ के छोटो आंसर आस्तांता ताले नियर अबाउट आंसर केते आसीबो क्वेश्चन तरो मु आउ के पाखा पाखी केते क्वेश्चन तरो आंसर आसीबो त मान को जदि हमे अप्रोक्सिमेट लगेबो चेष्टा करबा पाखा पाखी आसीबो 54.6 तो मानो पर आंसर आसीबार चांसेस फिर भी हमें एटा करिबा कले केते आंसर आछ हमें को देख सो देखो तुम माने तुम निजे तो या को हरिया को चेष्टा करिवो देखिबो 57 जस्ट पछु तुम आंसर एटा आसीबो तुम निजे चेष्टा करिवो हरिया में यदि न हरि पाउछ ताल ताको तुम चाहे लेबे और अन्य मेथड कर परिवो बट एटा होची सब टू बेस्ट अप्रोक्सिमेट गेस कर मारिवो गोटे क्वेश्चन पे तुम हरि की समय बर्बाद करिवनी अप्रोक्सिमेट गेस कर मारिवो इट इज द राइट आंसर हो डेफिनेटली राइट आंसर हो संदी किछ नहीं थैंक यू नेक्स्ट क्लास रे हम बाकी नोवा क्वेश्चन देखिबा